अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चॉकलेट की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। आपने किसी बर्तन में पानी को अच्छे तरीके से उबाल लेना है और उबलते हुए पानी के ऊपर आपने रख देना है एक कांच का बोल, या आप प्लास्टिक का बोल भी ले सकते हैं। इसके अंदर ऐड कर दें तकरीबन 400 ग्राम मक्खन। 400 ग्राम मक्खन तकरीबन 3.5 चम्मच मक्खन के बराबर होता है। इसके बाद इस मक्खन को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लीजिए। अब मक्खन को अच्छे तरीके से धीमी आंच पर मेल्ट कर लें, जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट शक्ल इख्तियार ना करें। आपने लम्स को अच्छे तरीके से तोड़ लेना है ताकि मक्खन स्मूथली मेल्ट हो सके और आपकी चॉकलेट में कोई लम्स ना रहे। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दें 3 चम्मच बारीक पिसी हुई चीनी। आप दानेदार चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लें, जब तक कि वो क्रीमी शक्ल इख्तियार ना कर ले। तो हमारी चीनी यहाँ पर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर दीजिए 3 चम्मच कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट मेल्ट करके ले सकते हैं। अब इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से कर लीजिए मिक्स, ताकि इसमें कोई लम्प्स मौजूद ना रहे। लास्ट में आपने ऐड करना है तकरीबन 1/2 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपने कोई भी सांचा ले लेना है और उस पर ऑयल को कर देना है अच्छे तरीके से ब्रश, ताकि आपकी चॉकलेट आसानी से निकल जाए। अब आप इसको अच्छे तरीके से टैप टैप कर लीजिए, ताकि इसमें चॉकलेट अच्छे तरीके से फैल जाए। एक्स्ट्रा चॉकलेट को साइड्स पे से साफ कर लीजिए। अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए और फिर सर्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।